लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, लाइव कोलकाता के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और खबरों की शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं सुर्खियां। बंगाल दौरे के दूसरे दिन कोलकाता के टैगोर हाउस के साथ ही बेलूर मठ पहुंचे राष्ट्रपति, कहा अगले साल जल्द आऊंगा। ममता ने कहा विश्व बांग्ला राज्य सरकार की धरोहर, मैंने खुद तैयार किया लोगो। सीएम ने उच्च माध्यमिक के छात्रों को दी सौगात, कहा अब हिंदी में भी होगा प्रश्न पत्र। भदेश्वर हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों को लेकर पुलिस पहुंची चुचुड़ा, गुरुवार को अदालत में होगी पेशी। और मालदा में सुरक्षा बलों ने बढ़ाई सुरक्षा, तलाशी अभियान में विस्फोटक सहित हथियार बरामद। पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को हावड़ा के बेलूर मठ स्थित रामकृष्ण मिशन मठ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा कि वो अगले साल जल्द ही फिर वापस कोलकाता आएंगे। इसके साथ ही बुधवार को ही सुबह हुए बड़ा बाजार के जोड़ा साकू स्थित रविन्द्रनाथ टैगोर के भवन भी पहुंचे थे। दो दिवसीय बंगाल के दौरे पर आए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बुधवार सुबह बेलूर मठ स्थित रामकृष्ण मिशन पहुंचे। उन्होंने यहां रामकृष्ण की समाधि स्थल और मंदिर का भ्रमण कर अपनी मुग्धता को जाहिर करते हुए कहा कि वे दोबारा आने वाले साल के 2 फरवरी को यहां मां की दर्शन करने जरूर आएंगे। परम पूजनीय संघाध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद जी महाराज आशीर्वाद स्वामी स्मरणानंद जी কিছুক্ষণ কথা বলেন এবং প্রেসিডেন্টকে স্বামী স্মরণানন্দজি ঠাকুরের প্রসাদী শাল, প্রেসিডেন্টের স্ত্রীর জন্য মায়ের প্রসাদী শাড়ি এবং গভর্নর সাহেবকেও ঠাকুরের প্রসাদী শাল দিয়েছেন। মায়ের মন্দির রেনোভেট করা হচ্ছে, তারপরে ওখান থেকে প্রেসিডেন্ট মহারাজকে দর্শন করলেন, আশীর্বাদ নিলেন, তারপর সেখান থেকে ঠাকুরের গর্ভমন্দিরে এসে উনি ঠাকুরকে অর্ঘ্য প্রদান করলেন। অর্ঘ্য প্রদান করবার পরে এখানে তো খানিকক্ষণ দাঁড়ালেন, আপনাদের স্ন্যাপট্যাপ দিলেন, দেখলেন, তো তারপরে উনি গিয়েছেন এবং যাওয়ার সময় উনি বলেছেন আমি আপনার। ওই বেলুর মঠ কে সমিতি দ্বারা উনকা স্বাগত শল উড়াকর কিয়া গেয়া। तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेता मुकुल राय के विश्व बांग्ला को लेकर दिए गए बयान के बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जवाब देते हुए कहा है कि विश्व बांग्ला राज्य सरकार की धरोहर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लोगों को मैंने स्वयं तैयार किया है। उच्च माध्यमिक यानी कि 11वीं और 12वीं की छात्र एवं छात्राओं को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अब सारे बोर्ड के पेपर हिंदी में आएंगे, यानी कि अब से हिंदी में प्रश्न पत्र छात्रों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राज्य सरकार ने राज्य के हिंदी भाषियों को तोहफा दिया है। माध्यमिक के बाद अब 11वीं और 12वीं की कक्षा में प्रश्न पत्र अंग्रेजी और बांग्ला के साथ ही साथ अब हिंदी में भी होंगे, ताकि हिंदी माध्यम के छात्रों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। इससे 11वीं व 12वीं के हिंदी माध्यम के करीब 85,000 छात्रों को फायदा मिलेगा। हिंदी में प्रश्न पत्र होने से उन्हें प्रश्नों को समझने में काफी सहूलियत होगी। अब तक ये प्रश्न पत्र अंग्रेजी और बांग्ला में मिलते थे। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है और इसके चलते ही कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो वहीं दर्जन भर ट्रेनों के समय में फेरबदल किया गया है। आपको बता दें कि ठंड के कारण यात्रियों को स्टेशनों पर ट्रेनों की काफी प्रतीक्षाएं करनी पड़ रही हैं। सिलीगुड़ी सहित पूरे उत्तर बंगाल में ठंड अभी जोरदार ही है, लेकिन घने कोहरे ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। घने कोहरे का असर सीधे ट्रेन सेवाओं पर भी पड़ा है, खासकर दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों की सेवाएं प्रभावित हुई है। अगले कुछ दिनों के लिए 1 दर्जन ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार घने कोहरे की वजह से दृश्यता में कमी आई है, यही कारण है कि ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर के बीच चलने वाली कर्मभूमि एक्सप्रेस तथा अलीपुर द्वार दिल्ली महानंदा एक्सप्रेस सहित 1 दर्जन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इन तमाम ट्रेनों के रद्द होने की वजह से आम रेल यात्रियों को काफी परेशानी होने की आशंका है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की ओर से दी गई
मिली जानकारी में बताया गया है कि दिल्लीगामी रूट के साथ ही कोलकाता रूट पर भी ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ा है। 1, 2, 3, 6, 4 हल्दीबाड़ी कोलकाता इंटरसिटी एक्सप्रेस को 1 दिसंबर तथा कोलकाता हल्दीबाड़ी एक्सप्रेस को 30 दिसंबर तक रद्द कर दिया गया है। इस तरह न्यू जलपाईगुड़ी अमृतसर कर्मभूमि एक्सप्रेस 6, 13, 12 तथा 20 दिसंबर एवं 3 जनवरी को रद्द रहेगी। भादेश्वर नगर पालिका के चेयरमैन मनोज उपाध्याय की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मंगलवार को ही लग गई थी, जब उन्होंने बनारस से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस बुधवार को सारे अभियुक्तों को लेकर चुचुड़ा पहुंची, जिन्हें बृहस्पतिवार को चंदन नगर अदालत में पेश किया जाएगा। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद और उनके चुचुड़ा पहुंचने के बाद इस पर अधिक जानकारी देते हुए हुगली के नए कमिश्नर अजय कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और उनको जानकारी दी। आइए सुन लेते हैं कि अजय कुमार ने क्या कहा। यूपी पुलिस क्राइम ब्रांच वाराणसी प्लस तार साथे एटीएस डीएसपी एटीएस टीम छिलो पूरी टीम तारा ए पूरो ऑपरेशन के मध्य हमें सहाय्य करेछे। एखन एदेरके निये एसे आमरा कालके देखे जेहेतु 4 hours ओवर हो गए कल के प्रोडक्शन करब और तरह पुलिस कस्टडी नहीं तक फार्दर इन्वेस्टिगेशन कर। मालदा जिला अपने जाली नोटों के साथ ही साथ अब अवैध तस्करी के साथ ही साथ हथियारों के लिए भी कुख्यात होते जा रहा है। इसी के आधार पर बीएसएफ ने पूरे मालदा जिले के साथ ही साथ बांग्लादेश के सटे हुए बॉर्डर के समीप के इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। इसके तहत बांग्लादेश के सीमा के समीपवर्ती इलाकों में तलाशी अभियान चलाकर बीएसएफ के जवानों ने लाखों रुपए के विस्फोटक के साथ ही हथियारों को भी बरामद किया है। इसके बाद से पुलिस और बीएसएफ के जवान सुरक्षा को और चाक चौबंद कर रहे हैं। हावड़ा के डोमजूर में स्थित एक जूते के कारखाने में आग लगने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग लगने के कुछ ही देर बाद आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। इस घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। बुधवार अहले सुबह हावड़ा के डोमजूर स्थित अंकुरहाटी के एक जूते की कारखाने में आग लग गई। जानकारी के अनुसार मच्छर को मारने के लिए जलाई गई कॉयल से ये आग लगी। इस घटना से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों का नाम जयप्रकाश यादव, अभिषेक यादव और जुक्कू यादव बताया जा रहा है। घटना की जानकारी तुरंत दमकल विभाग और डोमजूर थाने की पुलिस को दी गई, जिसके बाद दमकल की कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। साथ ही साथ पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हुगली जिले के रिसड़ा से कुछ अज्ञात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उनके पास से पुलिस को बंदूक, पिस्तौल और कारतूस के साथ ही साथ बम भी बरामद हुए हैं। हुगली जिले के रिसड़ा थाने की पुलिस ने बम, धारदार हथियार के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के नाम शुभ ओझा, सिंटू दास, आनंद सिंह व विचित्र गोसाई बताया जा रहा है। अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 1 पिस्तौल, 1 राउंड कारतूस व बम बरामद किया। बुधवार को अभियुक्तों को श्रीरामपुर अदालत में पेश किया गया। आइए देख लेते हैं बंगाल से जुड़ी कुछ अन्य बड़ी खबरें। आसनसोल के कल्ला मोड़ हाईवे NH2 मोड़ पर बुधवार को मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 युवक हाईवे पार कर रहे थे। उसी दौरान जब ट्रैफिक पुलिस राकेश बनवाल ने उन्हें हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश की तो उन युवकों ने राकेश का हाथ धर दबोचा व बिना मोटरसाइकिल रोके आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद मोटरसाइकिल से उतरकर राकेश को बेरहमी से मारा पीटा, जिसके बाद घायल अवस्था में राकेश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ठीक ऐसी ही घटना मंगलवार की रात एक और ट्रैफिक पुलिस के साथ घटी, जिसके विरोध में सभी ट्रैफिक पुलिस एकजुट होकर कल्ला मोड़ बाईपास पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ट्रैफिक पुलिस का आरोप है कि आए दिन ऐसी ही घटना उनके साथ घट रही है। वे जब भी सिग्नल पर किसी यात्री को रोकने की कोशिश करते हैं तो इसी तरह वह उन पर हमला कर देते हैं। ट्रैफिक रूल काम कर रहा है, नहीं मान रहा था, इसीलिए फिर झमेला किया यहाँ पर आके। तो क्या उन लोग क्या बोला आपको? हम लोग बोले जल्दी करने के लिए, पर लोग माना नहीं, लोग आके झमेला कर रहे। पूरा मारा आपको? पूरा नहीं मारा, पर फिर जहाँ मारा है सही में मारा है। नॉर्थ थाने के OC असीम मजुमदार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। हुगली जिले के चुचुरा थाने की पुलिस ने कोलकाता बाजार बमबाजी के मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 आरोपियों को 6 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया व बाकी 6 आरोपियों को 14 दिनों के लिए जेल में रखा गया। पुलिस ने इन आरोपियों को रविंद्र नगर से गिरफ्तार किया है।
उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के प्रसूति विभाग में चिकित्सक के उपलब्ध न होने के कारण गर्भवती महिलाओं को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब गर्भवती महिलाओं ने अस्पताल के सुपर से इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए तो सुपर को अस्पताल में न पाकर काफी निराश हो गई। गर्भवती महिलाओं का कहना है कि दयनीय स्थिति होने के कारण उन्हें अस्पताल में चिकित्सा के लिए आना पड़ता है, लेकिन कई दिनों से उक्त अस्पताल के आउटडोर में कोई भी प्रसूति विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है। संवाद के जरिए घटना सभी की नजरों में आई, जिसके बाद रायगंज जिला अस्पताल प्रशासन काफी सतर्क हो गया। उक्त अस्पताल के प्रसूति विशेषज्ञ राकेश गोप ने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो अस्पताल में नहीं आ पा रहे थे। वही गर्भवती महिलाओं ने संवाददाताओं को उनके कार्य के लिए शुक्रिया कहा। हमारे जो डिलीवरी आछे चार दिन होलो आते घुरलाम जे डाक्तारे नाई बोलछे कि बुधवारे आसो बोलछे सोमवारे आसो आर डाक्तारे पाछी ना बाड़ी आमार अनेक दूरे बाड़ी जावा आसा आमार खूब असुविधा होच्छे गाड़ीते आसछि जाच्छि আমরা গরিব মানুষ খুব গরিব মানুষ আমরা। आसनसोल के रानीगंज शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जल्द ही नई सड़कों का कार्य शुरू होगा, साथ ही पुरानी सड़कों की मरम्मत भी की जाएगी। इसके अलावा नेशनल हाईवे पर अत्याधुनिक बस स्टैंड भी स्थापित किया जाएगा। उक्त बातें आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने रानीगंज सिटीजन्स फोरम के प्रतिनिधि दल से कही। रानीगंज की समस्याओं को लेकर रानीगंज सिटीजन्स फोरम का प्रतिनिधि मंडल मेयर जितेंद्र तिवारी से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात करने पहुंचा था। इस प्रतिनिधि मंडल दल की अध्यक्षता की डॉक्टर राम दुलाल बोस ने। इस संबंध में प्रतिनिधि मंडल दल के आरपी खेतान ने कहा कि उन लोगों ने मेयर से कहा है कि रानीगंज शहर की आज की सबसे बड़ी समस्या सड़क जाम है। इससे मुक्ति पाने के लिए सड़कों की मरम्मत के अलावा सड़क निर्माण से संबंधित कई परियोजनाओं को तत्काल शुरू करने की जरूरत है। इसमें रानीगंज बाईपास सड़क के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं, सिर्फ कार्य शुरू करना है। और साथ ही अजय दामोदर प्रोजेक्ट को भी जल्दी शुरू कराया जाए। रानीगंज सिटीजन फोरम से वहाँ के कुछ नागरिक आए थे, रानीगंज शहर का कैसे उन्नति किया जा सके इस पर चर्चा के लिए, और हम लोगों ने बहुत अच्छे परिस्थिति में आज ये आलोचना किया है और आने वाले दिनों में उनके उनका जो भी परामर्श है उसको काम में लगाकर रानीगंज शहर को और बेटर बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।